दोस्तों आज मैं आपको जिम क्विक की बुक लिमिटलेस से 10 ऐसी बातें बताऊंगा जो आपके ब्रेन को सुपर ब्रेन बना देंगी। ये बातें इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती हैं क्योंकि जिम क्विक मेमोरी और स्पीड रीडिंग के एक्सपर्ट हैं। वो कहते हैं कि वो स्पेशल नहीं है, उनमें ये सुपर पावर्स नेचुरली नहीं आए थे, उन्होंने ये सीखा और ये कोई भी सीख सकता है, भले ही उसकी उम्र कितनी भी हो और कितनी भी उसकी एजुकेशन हो। जो भी बातें उन्होंने बताई हैं कोई भी इंसान ये कहकर उसे रिजेक्ट नहीं कर सकता कि इससे दिमाग तेज नहीं होता है। उन्होंने जो भी बातें बताई हैं वो सब साइंटिफिकली प्रूव्ड हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद को रेट करना है 1 से 10 की स्केल पर, इन 10 चीज़ों में आप कितनी चीज़ें फॉलो करते हो। ऑथर कहते हैं कि हर इंसान चाहता है कि उसे कोई जादुई गोली मिल जाए जिसे खाते ही उसका दिमाग तेज हो जाए। ऐसी कोई जादुई गोली नहीं होती है, लेकिन एक जादुई प्रोसेस ज़रूर होता है और ये सभी 10 चीज़ें उस प्रोसेस में शामिल हैं। तो शुरू करते हैं। नंबर 1 है गुड ब्रेन डाइट। जो आप खाते हो वही आप होते हो, ये बात बहुत सही है और ख़ास तौर पर आपके ब्रेन के लिए। ऑथर 10 न्यूरो प्रोटेक्टिव फूड्स बताते हैं, इनका कोई पर्टिकुलर ऑर्डर नहीं है। नंबर 1 है एग्स। इसमें मेमोरी इंप्रूव करने वाला कोलाइन होता है, ओमेगा 3 और कई तरह के विटामिन होते हैं जो हमारे ब्रेन के लिए अच्छे हैं। नंबर 2 है ब्लूबेरी, ऑथर इसे ब्रेन बेरी कहते हैं, ये ब्रेन एजिंग कंडीशन कम करती है। नंबर 3 है ब्रोकोली, ये विटामिन के और फाइबर का अच्छा सोर्स है जिससे ब्रेन पावर इंक्रीज होता है। नंबर 4 है एवोकाडोस, इसमें मोनोसैचुरेटेड फैट होता है जिससे ब्लड फ्लो इंप्रूव होता है जो आपके ब्रेन के लिए काफ़ी अच्छा होता है। नंबर 5 है कोकोनट ऑयल, इसमें मीडियम चेन फैट होता है जो हमारी बॉडी में फैट बर्निंग प्रोसेस को फास्ट करता है और जिससे हमारे ब्रेन पर अच्छा असर पड़ता है। नंबर 6 है हरी सब्जियां, कोई भी हरी सब्जी जैसे पालक मेथी, ये विटामिन ई और फोलिक एसिड का बहुत अच्छा सोर्स होती है और ये दोनों चीज़ों से ब्रेन का डेवलपमेंट होता है। नंबर 7 है सैल्मन फिश, गहरे पानी में रहने वाली सैल्मन मछली, इसमें ज़रूरी फैटी एसिड्स होते हैं, ओमेगा 3 होता है और DHA भी अच्छी मात्रा में होता है। नंबर 8 है हल्दी, हल्दी एंटीऑक्सीडेंट्स के लेवल बढ़ाती है, इम्यून सिस्टम हेल्दी रखती है, ब्रेन में ऑक्सीजन भी मेंटेन करती है जिससे हमारी अलर्टनेस बनी रहती है। नंबर 9 है अखरोट, अखरोट में हाई लेवल एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, विटामिन ई ज़्यादा होता है जो न्यूरॉन्स को प्रोटेक्ट करता है, जिंक और मैग्नीशियम होता है जिससे आपका मूड अच्छा बना रहता है और अच्छा मूड आपके ब्रेन के लिए डेफिनेटली अच्छा है। नंबर 10 है डार्क चॉकलेट्स, इससे फोकस इंप्रूव होता है, डार्क चॉकलेट से बॉडी में एंडोर्फिन्स रिलीज होता है और ये भी हमारा मूड अच्छा बनाता है। तो ब्रेन को सुपर ब्रेन बनाने वाली दूसरी चीज़ है किलिंग एंट्स, एंट्स यानी ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स। आप खुद से कैसी बातें करते हो, नेगेटिव बातें करते हो ज़्यादा या पॉजिटिव बातें करते हो? अगर आप बार बार कंप्लेन करते हो तो इससे आपके ब्रेन की रिवायरिंग हो जाती है और आपका मन और ज़्यादा कंप्लेन करने का होता है। ना सिर्फ कंप्लेनिंग, अगर आप खुद से ये भी कहते हो कि आप एक पर्टिकुलर काम नहीं कर सकते हो तो आपके ब्रेन में इस तरह से वायरिंग हो जाती है, आप हर बार उस काम से डरने लगते हो। कहते हैं कि एक डरपोक इंसान अपने माइंड में 1000 बार मरता है जबकि एक बहादुर इंसान जिंदगी में सिर्फ 1 बार मरता है। आपने एक डर को इमेजिन कर लिया है और हमारा ब्रेन इमेजिनेशन और रियलिटी में फर्क नहीं जानता। अगर आपके सर पर ब्रेन सेंसिंग डिवाइस लगा दिया जाए तो ये डिवाइस आपके ब्रेन का डर वाला हिस्सा तब भी डिटेक्ट करेगा जब एक असली कुत्ता आपके पीछे लगा हुआ होगा और तब भी जब सिर्फ आप इमेजिन कर रहे होगा कि आपके पीछे कोई कुत्ता लगा हुआ है। हमारा ब्रेन इमेजिनेशन और रियलिटी में फर्क नहीं कर पाता, तो आपकी इमेजिनेशन एक बहुत पावरफुल टूल है। तो कभी भी ये मत इमेजिन करो कि आप कोई काम नहीं कर सकते, अपनी इमेजिनेशन को हमेशा पॉजिटिव रखो। नंबर 3 है एक्सरसाइज। जब बात होती है एक्सरसाइज की तो ये बहुत क्लियर है और ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि वो कोई भी चीज़ जो आपके दिल के लिए अच्छी है वो आपके दिमाग के लिए भी अच्छी है। एक्सरसाइज एक बहुत अच्छा तरीका है आपके ब्रेन को ऑक्सीजन देने का, ब्लड फ्लो इंक्रीज करने का। जो लोग रेगुलरली एक्सरसाइज करते हैं वो लोग फोकस टेस्ट और मेमोरी टेस्ट में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं। नंबर 4 है ब्रेन न्यूट्रिएंट्स। अगर आपको विटामिन बी की कमी है, अगर आपको DHA की कमी है तो इससे आपके ब्रेन फंक्शंस पर असर पड़ता है। यहाँ ऑथर कहते हैं कि आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए और ब्लड टेस्ट करवाना चाहिए और पता करना चाहिए कि आपकी बॉडी में किस चीज़ की कमी है। और सेम बात वो गुड ब्रेन डाइट के लिए भी कहते हैं कि पहले आपको ये पता कर लेना चाहिए कि आप किस चीज़ से ज़्यादा सेंसिटिव हो, उसके हिसाब से आपको डाइट फॉलो करनी चाहिए। नंबर 5 है पॉजिटिव पीयर ग्रुप। हमें पता है कि हम जिन लोगों के साथ ज़्यादा अपना समय बिताते हैं हम भी वैसे ही हो जाते हैं। इसका भी एक साइंटिफिक रीज़न है, हमारे नर्वस सिस्टम में मिरर न्यूरॉन्स होते हैं और जब आप कोई खेल या कोई मूवी देख रहे होते हो तो आप भी वैसा ही फील करने लगते हो जैसा उस खेल का खिलाड़ी या उस मूवी का कैरेक्टर फील करता है। हमारे मिरर न्यूरॉन्स हमेशा लोगों की नकल करते रहते हैं, तो जिसके साथ आप टाइम बिताते हो वैसे ही इसीलिए हो जाते हो क्योंकि आप उनकी आदतें, उनके बिहेवियर, उनके सोचने का तरीका भी कॉपी करने लग जाते हो। इसीलिए कहते हैं कि हम उन लोगों का एवरेज होते हैं जिनके साथ हम टाइम बिताते हैं। अगर आप 9 कंगाल लोगों के साथ अपना समय बिताओगे तो 10वें कंगाल आप ही रहोगे। तो अपना सोशल नेटवर्क भी एनालाइज करो और देखो कि आप किन लोगों के साथ टाइम बिताना पसंद करते हो। नंबर 6 है क्लीन एनवायरनमेंट। क्लीन एनवायरनमेंट हमारे ब्रेन के लिए अच्छा होता है। जब आप अपने आसपास सफाई रखते हो तो आपके थॉट्स में भी क्लैरिटी आती है। और क्लीन एनवायरनमेंट से मतलब सिर्फ आपका रूम या आपकी टेबल क्लीन कर लेना ही नहीं है, इसका मतलब है साफ हवा भी, साफ पानी भी। गंदा पानी और एयर पॉल्यूशन हमारे ब्रेन के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है।
नंबर 7 है स्लीप। अच्छी नींद से दिमाग को बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाने वाली 3 बातें होती हैं। नंबर 1, अच्छी नींद से हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉन्ग टर्म मेमोरी में कंसोलिडेट होती है। आसान भाषा में समझाऊं तो कई बार ऐसा होता है कि हमने कोई चीज 5 मिनट पहले कहां रखी हम भूल जाते हैं, 5 मिनट बाद ही भूल जाते हैं। अच्छी नींद से यह प्रॉब्लम कम हो जाती है। नंबर 2, इससे हमारे ब्रेन में जमा प्लेग कम होता है, कई दिमागी बीमारियों का खतरा कम हो जाता है। नंबर 3 है सपने। सपने देखना बहुत जरूरी है। आपको पता नहीं है कि कितने अमेजिंग इन्वेंशन सपनों में हुए थे, और इसी किताब से सिर्फ सपने वाले पार्ट पर मैंने एक पूरी वीडियो बनाई है जिसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हो, और आपको जरूर देखना भी चाहिए। सिलाई मशीन का इन्वेंशन सपने में हुआ था, पीरियोडिक टेबल सपने में देखी गई थी, तो सपने बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 8 है ब्रेन प्रोटेक्शन। क्या आप अपने ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रहे हो? यहाँ बाइक चलाते हुए हेलमेट पहनने की बात नहीं हो रही, वो तो आपको ऑब्वियसली पहनना ही चाहिए। ऑथर कहते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स हमारे ब्रेन पर असर डाल रही हैं। हमारा ब्रेन हमारे स्मार्ट डिवाइसेस से निकलने वाली इलेक्ट्रिसिटी को हैंडल करने के लिए नहीं बनाए, और कई लोग अपने स्मार्टफोन्स को अपने पिलो के नीचे रख कर सोते हैं, यह ब्रेन के लिए बहुत नुकसानदेह। नंबर 9 है न्यू लर्निंग्स। न्यूरोजेनेसिस का मतलब होता है कि आप जिंदगी के आखिरी दिन तक न्यू ब्रेन सेल्स बना सको। न्यूरोप्लास्टिसिटी का मतलब होता है कि आपका ब्रेन न्यू कनेक्शंस बना सके। महान साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन का ब्रेन भी एक नॉर्मल ब्रेन जितना ही था, लेकिन उनके ब्रेन के पार्ट्स हाईली कनेक्टेड थे क्योंकि वो ब्रेन थॉट एक्सपेरिमेंट्स करते थे। जब भी आपके दिमाग में नया थॉट आता है तो एक नया कनेक्शन बनता है। तो न्यूरोजेनेसिस और न्यूरोप्लास्टिसिटी को इम्प्रूव करने के 2 तरीके हैं, नॉवेल्टी और न्यूट्रिशन। जैसे कि आपको अपने मसल्स को ग्रो करने के लिए कुछ नया करना पड़ता है, यानी कि अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हो तो आपकी मसल्स के लिए एक्सरसाइज नॉवेल्टी है। एक्सरसाइज के साथ आप न्यूट्रिशन भी लेते हो जिससे आपकी मसल्स बढ़ती हैं। बिल्कुल इसी तरह मेंटल मसल्स भी बढ़ती हैं, लेकिन जब लोग ये सोच लेते हैं कि हमें सब पता है, कुछ नया सीखने की जरूरत नहीं है, आप सीखना छोड़ देते हो, तो आपके ब्रेन में न्यू कनेक्शंस भी बनना बंद हो जाते हैं। वैसे आप ये बुक ऐप पर सैकड़ों बुक्स को नॉलेज हिंदी में हासिल कर सकते हो, और नए आइडियाज से अपने ब्रेन की न्यूरोप्लास्टिसिटी इम्प्रूव कर सकते हो, और इस पे अभी डिस्काउंट भी चल रहा है। फाइनली नंबर 10 है स्ट्रेस मैनेजमेंट। चूंकि ये इनविजिबल है इसलिए इसके बारे में कोई बात नहीं करता, और ना ही कोई करना चाहता है। आपको भी ये तब तक पता नहीं चलता है कि आप कितने स्ट्रेस में हो जब तक आप एक लंबा वैकेशन नहीं ले लेते हो। जैसे कि मछली को पता नहीं होता है कि वो पानी के अंदर है, क्योंकि पानी उसके आसपास हमेशा होता है। हम बहुत सारे एनवायरमेंटल स्ट्रेस पॉल्यूटेंट्स के बीच में रह रहे हैं। हमें एनवायरमेंट स्ट्रेस है, हमें इमोशनल स्ट्रेस है, वर्क स्ट्रेस है, फाइनेंशियल स्ट्रेस है। ये हमें दिखता नहीं है, लेकिन स्ट्रेस की वजह से आपको पढ़ाई में दिल नहीं लगता, स्ट्रेस की वजह से आप अच्छा प्रेजेंटेशन नहीं दे पाते। स्ट्रेस मैनेज करने के लिए रिलैक्सेशन टेक्निक्स है, आप वो कर सकते हो। और सबसे खास बात तो ये कि आपको ये एक्सेप्ट करना होगा कि कुछ इवेंट्स जिंदगी में ऐसे होते हैं जिन्हें आप कंट्रोल नहीं कर सकते, इसलिए उनके बारे में ज़्यादा सोच कर स्ट्रेस नहीं लेनी चाहिए। और इसके अलावा इस वीडियो में जो भी बातें बताई गई हैं वो सब स्ट्रेस कम करने में हेल्पफुल है। इसके अलावा हमने ये बुक ऐप पर मोटिवेशन, इंस्पिरेशन और हैप्पीनेस पर बहुत सारे बुक समरीज अपलोड की, तो आपको वो भी सुनना चाहिए, आप अच्छा फील करोगे। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, और अभी से मैं कर देता हूँ समराइज। नंबर 1 है ब्रेन डाइट। ऑथर ने ये 10 चीज़ें बताई हैं जिनके खाने से हमारा ब्रेन हर तरह से इम्प्रूव होता है। नंबर 2 है किलिंग एंड्स, यानी कि आपको ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स को खत्म करके खुद से पॉजिटिव बातें करनी होंगी। नंबर 3 है एक्सरसाइज। जो लोग रेगुलरली एक्सरसाइज करते हैं वो लोग फोकस टेस्ट और मेमोरी टेस्ट में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो एक्सरसाइज करो। नंबर 4 है ब्रेन न्यूट्रिएंट्स। विटामिन बी और DHA बहुत अच्छे ब्रेन न्यूट्रिएंट्स हैं। कोई भी सप्लीमेंट लेने से पहले आपको डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। नंबर 5 है पॉजिटिव पीयर ग्रुप। जैसे लोगों के साथ आप रहोगे वैसे ही आप बन जाओगे, तो सोच समझ कर अपनी सराउंडिंग्स को चुनो। नंबर 6 है क्लीन एनवायरनमेंट। अपने आसपास सफाई रखो, इसमें साफ हवा और साफ पानी भी शामिल है। लॉकडाउन में साफ हवा तो हमें मिल ही रही है, पानी भी आप साफ पियो। नंबर 7 है अच्छी नींद। नींद के 3 फायदे हैं, हमारी मेमोरी इंप्रूव होती है, प्लेग कम होता है, सपने आते हैं, और सपने इंपॉर्टेंट है बाबू। नंबर 8 है ब्रेन प्रोटेक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से अपने ब्रेन को प्रोटेक्ट करो। सो दैट टाइम अपने फोन को पिलो के नीचे मत रखो, खुद से दूर रखो। नंबर 9 है न्यू लर्निंग्स, नया सीखो, नए थॉट्स से ब्रेन में नए कनेक्शंस बनते हैं। फाइनली नंबर 10 है स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस जितनी कम होगी दिमाग उतना अच्छा चलेगा। स्ट्रेस रिलैक्सेशन के कई टेक्निक्स हैं, और इस वीडियो में जो भी बातें आपको बताई गई हैं ये सभी आपकी मदद करेंगे आपका स्ट्रेस कम करने में। तो वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो लाइक जरूर कर देना। फाइनली यू गाइस आर अमेजिंग। कीप रीडिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।